बाकी बच चुके हैं 8 और हमारी जो गैलरी से व्यू दिख रहा है कुछ इस तरीके से, ऊपर माउंटेन पे पहाड़ी पे मंदिर जी दर्शन कर रहे हैं, यहीं से गैलरी से दर्शन कर लेते हैं। और क्या ही लग रहा है यहाँ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द माय न्यू ब्लॉग। मैं जा रहा हूँ अभी फिलहाल में, मैं इससे कर रहा हूँ अभी नारेली में फिलहाल में, और अभी जा रहा हूँ अभिषेक करने के लिए। तो चलिए चलते हैं चलते हैं। अभी तो मैंने सेम कपड़े पहने हैं, कपड़े यहाँ पे लेके नहीं आया था, बस स्टे करने आया था, तो जा रहा हूँ अभी अभिषेक करने के लिए। चलिए, अभिषेक की जो है क्रियाएँ चालू हो चुकी हैं, और ये हमारा जो गैलरी का वो है, वो भी हुआ है। चलते हैं, कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं, तो चलते हैं अभिषेक करने के लिए सबसे पहले। चलिए, शांति भगवान जिनेन्द्र करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र। सो गाइस, यहाँ पे जो ऊपर रूम्स हैं उसकी लॉबी ये है, यहाँ बैठकर, और यहाँ से चलते हैं। गाइस, मैं आ चुका हूँ वापस रूम पे जा रहा हूँ, अभी करते हैं चेंज। अभिषेक जो है मैंने कर लिया है, अभिषेक करके जो है वापस आ चुके हैं। करते हैं अब नाश्ता, क्योंकि भूख लग गई है, चलते हैं नाश्ता करने के लिए। सो गाइस, चेंज मैंने कर लिया है, और चल भैया का फ़ोन आया है कि नाश्ता करने के लिए बुला रहे हैं, तो चलते हैं। और देख सकते हैं मैंने सेम कपड़े पहने हैं, क्योंकि मैं कपड़े दूसरे यहाँ पे रूम पे लेके नहीं आया था जहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ। तो चलिए गाइस, मैं आया था अभी मौसी के यहाँ पे और नाश्ता करने के लिए बुलाया था। मौसी यहीं पे रहती है नारेली भैया के साथ में, और मौसा जी जो है नीचे गए हैं, क्योंकि मौसी के सामने वो मौसी सीरियस हो गई ब्लॉग देख के। तो मौसा जी जो है वो नीचे की ओर गए, क्योंकि मौसी के सामने वो गुटखा नहीं खाते और मौसी उनको डांटती है, तो नीचे घूमने गए, घूमने के बहाने गुटखा खाएंगे। तो चलिए नीचे चलते, पकड़ते मौसा जी। मैं आया था नीचे और मैंने जो है मौसा जी को जाते हुए देख लिया बाहर। ये मेरे मौसा जी हैं जो बाहर की ओर जा रहे हैं, घूमने का बहाना है इनका, और धीरे से गुटखा खाएंगे। क्या क्यों मौसा जी, सही है कि नहीं? अरे नहीं नहीं। तो ये ठीक है, इसी बहाने से घूमने के बहाने निकल जाते हैं और धीरे से गुटखा खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि मौसी के घर पे सभी गुस्सा होते हैं। कुछ नहीं, जा रहा हूँ मैं मौसी जी के पीछे पीछे नीचे कहाँ तक जाते हैं। चलो सुबह इस मैं आ चुका था अभी ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र नारेली का मेन मंदिर जो है आर के मारवा द्वारा बनाया गया है, तो काफी शानदार बना है। चलते हैं अंदर की तरफ दर्शन करने के लिए। चलिए, गाइस क्या ही परिसर बना है यार, कितना शानदार। वहाँ जो मेन गेट है वहाँ से, और काफ़ी बड़े परिसर में जो है ये मंदिर का निर्माण किया है, और काफ़ी भव्य तरीके से। ये देखिए क्या शानदार, एपिक। Thank you.
विशाल हॉल जो है, यहाँ प्रवचन हॉल बनाया है मंदिर जी के जस्ट नीचे, और क्या ही बनाया है, शानदार। तो चलते हैं बाहर, ऊपर से जो है दर्शन करते हैं मंदिर जी का जो है। यहाँ से चलते हैं स्टेयर से ऊपर की ओर, और मंदिर क्या ही बनाया, इतना विशाल मंदिर, और काफी कितनी से ये जो है देख सकते हैं कितनी विशाल मूर्ति जो है उसकी स्थापना की गई है। बस अभी जो है आदिनाथ भगवान की इस मूर्ति को अभी जो है आदिनाथ भगवान को जो है सूर्य मंत्र जो है वो नहीं दिया गया। आचार्य श्रीराज का इंतजार चल रहा है कि जब वो आए और इस मंदिर को पंचकल्याण करके और प्रतिष्ठित किया जाए। तो बस इंतजार है तो आचार्य श्री का कि वो जब भी यहाँ आए और भव्य प्रोग्राम जो है यहाँ पे किया जाएगा, आयोजन जो है वो किया जाएगा। प्रतिमा देख के कितनी ही मनोहर, क्या मूर्ति है भाई, अद्भुत, देख के जो है मन प्रसन्न हो जाता है। इस तरीके से जब निर्माण होते हैं और मंदिर को देख, इस तरीके से जो भगवान की जो है मूर्ति देखने को मिलती है इस तरीके की, क्या ही है, अद्भुत। Thank you.
आ चुका हूँ अभी भोजनशाला पे भोजन करने के लिए, और हमारे भैया हैं अंकुर भैया, शास्त्री जी जिनको बोलते हैं, जो विधान भी कराते हैं मंदिर जी में, धार्मिक अनुष्ठान जितने हैं वो भैया जी कराते हैं, अंकुर शास्त्री जी, और उन्हीं की तरफ से आज जो है ट्रीट है, तो स्पेशली उन्होंने बनवाया है। ये कौन सी रोटी बोलती, घूमी फिरी नागौरी रोटी, गाजर का हलवा, पकौड़ी, तो स्पेशल ट्रीट दी गए आज इन्होंने। बर्थडे है क्या आपका? तो वेस्ट करते हैं इस मील को एंजॉय, और फिर मिल चुका है इसमें आ चुका हूँ अभी रूम पे, करते हैं थोड़ी देर रेस्ट। अभी जो भैया के मैं गया था खाना खाने, तो अंकुश शास्त्री जी जिन्होंने ट्रीट दी थी, और भैया के फ्रेंड हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलके और वहाँ उनके साथ में खाना खाने के लिए। पर थोड़ा सा वो लग रहा था कि फ़र्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ उनके साथ में खाना खाने के लिए, क्योंकि ऐसे मेरा ज़्यादा कोई टच था नहीं उनसे, पर उन्होंने मेरे को भैया से ही देखा, भैया से मेरे बारे में पूछा जस्ट, और उन्होंने मेरे को इन्वाइट किया था खाने के लिए, तो अच्छा लगा वो सब। और साथ ही अभी मैं लास्ट जो मंदिर अभी विजिट कर रहा था, ज्ञानोदयती क्षेत्र नारेली का ही मेन मंदिर, जहाँ पे एक ही परिवार आर्य मार्बल द्वारा जो है बनाया गया, क्या ही मंदिर बनाया है, क्या शानदार। और राजस्थान में जो है हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स भरे पड़े हैं, एक से एक हैं, और साथ ही नए दौर का जो नया मंदिर ज्ञानोदयती क्षेत्र नारेली बनाए, क्या ही बनाए, अद्भुत बनाए। और करते हैं थोड़े रेस्ट, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से रहे ट्रैवल कर रहा हूँ, लेट सोता हूँ और जल्दी उठ जाता हूँ, और उस वजह से देख सकते हैं मेरी फेस की तो बैंड बजी गई है, क्योंकि काफ़ी ट्रैवल धूप में भी करता हूँ, और साथ ही मेरे जो बाल हैं वो ड्राई हो गए, क्योंकि डस्ट बहुत है राजस्थान में, पर इंजॉय कर रहा हूँ, काफ़ी मज़ा आ रहा है मेरे को अकेले ट्रैवल करने में। अभी बज रहे हैं शाम को 5:30, शाम को बज रहे हैं 5:30, और मैं आया हूँ यहाँ के गार्डन में, बच्चे खेल रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, और क्या ही गार्डन डेवलप किया है, बहुत शानदार इस तरीके से, काफ़ी पेड़ पौधे, और किसी तरीके से यहाँ पे पीछे छतरियाँ बनाई हैं ये, और पीछे कीर्ति स्तंभ, क्या सही लग रहा है, पर देखिए तो यहाँ सनसेट हो रहा है पीछे की तरफ, और बस ये घूमते हुए इंजॉय कर रहा हूँ, इस व्यू को, पीछे देख सकते हैं सनसेट हो रहा है ये यहाँ पे, काफ़ी सही लगता है यार ये प्लेस। प्लीज़ डू विज़िट इन ज्ञानोदय नारेली, ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र नारेली अजमेर, काफ़ी सही फील करेंगे यहाँ आकर। मेरे को काफ़ी 3-4 दिन हो गए यहाँ स्टे करते हुए, काफ़ी सही लग रहा है, और अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि बोर हो रहा हूँ मैं यहाँ पे, अकेले घूमते हुए काफ़ी सही लग रहा है। ये देखिए क्या सही, कितना सही। सनसेट हो रहा है, तो क्या ही व्यू लग रहा है, क्या व्यू लग रहा है, सनसेट हो रहा है अभी इस टाइम पे, और माउंटेन के पीछे देख रहे हो कैसे सन जो है धीरे धीरे नीचे सूरज देव तक जा रहे हैं, एपिक व्यू। And thanks for watching my video till here. Do like to my video and subscribe to the channel. Hit the bell icon ताकि मेरे upcoming videos के notification मिलते रहेंगे। मिलते हैं next vlog में जल्दी।